वेलकम बैक स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच का आपका टॉपिक चल रहा है राइट नाउ स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों को लेवल वन और लेवल टू की जानकारी मैं अच्छे से दे चुका हूं, आज बारी है लेवल थ्री की। हम अपने टॉपिक के बहुत करीब हैं, दो ही लेवल बचे हैं आज के लेक्चर में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लेवल थ्री के कॉन्वर्जेशन खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट लेवल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करके आपका टॉपिक खत्म कर दिया जाए। ये ग्रामर के सबसे लेंथी टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। इसकी पूरी सीरीज 5 लेक्चर्स की है, जिसमें से 3 लेक्चर्स आप पहले ही देख चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन लेवल 3। नाउ बेटा, लेवल 2 तक आपने देखा कि एक क्वेश्चन हो रहा था, उसके सामने एक आंसर हो रहा था। नाउ लेवल 3 पे कॉन्वर्जेशन बड़ा हो जाएगा, बातचीत बड़ी हो जाएगी। प्लस यहां से एक और फंडा इंट्रोड्यूस हो रहा है, व्हाट टू डू व्हेन द कॉन्वर्जेशन इज गिवन इन अ डायलॉग मैनर। तो आप लोग अभी तक जो सेंटेंसेस सॉल्व कर रहे थे, उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होता था, सुरेश सेड टू विद्या, ये सेड टू वाला कॉन्सेप्ट आ रहा था। लेकिन अब किसी ड्रामा या किसी डायलॉग कॉन्वर्जेशन को आपको जब दिया जाए, तो कैसे सॉल्व करना है, उस फंडे के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर टॉपिक। तो आज शुरू करते हैं हम डायलॉग्स। ध्यान से देखिएगा, यहां पे इनवर्टेड कॉमास आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक डायलॉग है। तो इसमें पहला कैरेक्टर हमारे सामने आता है एंड्रयू, जो कहता है मैं मार्केट जा रहा हूं और क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या। सामने उसके दूसरा व्यक्ति है, से फॉर एग्जांपल मैथ्यू। Yes, I need some oranges. तो ये आपको रिमाइंड करेगा कि आपका लेवल 2 जो था उसके जैसा ही है। लेकिन कॉन्वर्सेशन यहीं पे रुकता नहीं है बेटा, यहां से आगे बढ़ता है। अब एंड्रयू फर्दर क्वेश्चन करेगा या कुछ जानकारी देगा। ध्यान से देखिए, एंड्रयू ने सबसे पहले मैथ्यू को बताया कि मैं मार्केट जा रहा हूं, क्या तुम्हें चाहिएगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, डू यू नीड एनीथिंग। और उसके बाद मैथ्यू उसको कहता है यस आई नीड सम ऑरेंजेस, यानी मुझे कुछ ऑरेंजेस की जरूरत है। फिर एंड्रयू उसको जानकारी दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि ऑरेंजेस आजकल बहुत महंगे हैं। तो मैथ्यू क्या कहता है, आई नो they are costly but I like them। तो ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट बन रहा है बेटा, रीजन बीइंग यहां पे इनवर्टेड कॉमास नहीं है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब डायलॉग मिले सॉल्व करने के लिए, लेवल 3 इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब आप एक डायलॉग सॉल्व कर रहे हैं, तो जो एक डायलॉग का पॉइंट आप देख रहे हैं, डबल डॉट दिया हुआ है, दैट इंडिकेट्स फ्रॉम हियर द डायलॉग बिगिंस। तो जो आपको दिख रहा है वो आपको सॉल्व करना है। आइए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा। तो पहले बारी आती है एंड्रयू की। एंड्रयू बात कर रहा है मैथ्यू से, उसको पहले हिस्से में जानकारी दे रहा है कि वो मार्केट जा रहा है, दूसरे हिस्से में उससे पूछ रहा है क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो आइए देखते हैं, एंड्रयू इनफॉर्म्ड मैथ्यू दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। ना ये फंडा एकदम क्लियर कर लीजिएगा बेटा, पिछले ही लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि हर बार आप टोल्ड यूज करें जरूरी नहीं है, आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। बेटा याद रखना था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा।
तो ये जो 0.5 मार्क्स गेन करने का फंडा आएगा वो यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे टोल्ड यूज कर सकते थे, ये इन्फॉर्म्ड की जगह आप टोल्ड यूज कर सकते थे, लेकिन आपको पता चल रहा है कि इन्फॉर्म्ड है तो आप इन्फॉर्म्ड यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, मार्क्स बढ़ाएगा आपके। एंड्रयू इन्फॉर्म्ड मैथ्यू दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट एंड आस्क्ड, आप ध्यान से देखिए, पहले बताया कि मैं मार्केट जा रहा हूं, फिर सवाल पूछा, एंड आस्क्ड इफ, ये इफ क्यों आया, जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए बेटा, वो एक जनरल क्वेश्चन है, याद है ना आपको जनरल और स्पेसिफिक का फर्क समझाया था। जनरल क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब आपको हाँ या ना में मिले, स्पेसिफिक क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ जाए। सो डू यू नीड एनीथिंग, एक जनरल क्वेश्चन है, इफ ही नीडेड एनीथिंग, यहां पे हो जाता है हमारा पहला लाइन खत्म। अब इसके बाद मैथ्यू का जवाब आएगा, सो टू दिस मैथ्यू रिप्लाई, मैथ्यू ने जवाब दिया, जवाब हां में है, ध्यान से आप देख सकते हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हां का जवाब मतलब पॉजिटिवली, जवाब हां में दिया, रिप्लाइड पॉजिटिवली, और उसके बाद क्या कहा कि उसे ऑरेंजेस चाहिए, एंड टोल्ड दैट ही नीड का पास्ट टेंस हो जाएगा नीडेड सम ऑरेंजेस। तो यहां तक आपका लेवल टू वाला फंडा क्लियर होता है। अब आते हैं आगे, इसका आगे का कॉन्सेप्ट। Andrew informed Matthew that he was going to the market and asked if he needed anything. To this, Matthew replied positively and told that he needed some oranges. अब उसको Matthew explain कर रहा है, समझा रहा है, clarify कर रहा है कि oranges जो हैं वो बहुत महंगे हैं. Then Andrew, आप यहाँ पे चाहें तो explained लिख सकते हैं, clarified लिख सकते हैं, इन्फॉर्म्ड लिख सकते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता पता ना चले कि क्या लिखना है तो टोल्ड तो लिख ही सकते हैं। आजकल रामायण महाभारत टीवी पे आप देख पा रहे हैं, उसमें जब सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाते हैं ना तो एक ही अस्त्र चलाया जाता है, ब्रह्मास्त्र। तो टोल्ड जो है ना बेटा, वो आपका ब्रह्मास्त्र है। जब आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फीलिंग कौन सी है, एक्सप्रेशन कौन सा है, तो यूज करो टोल्ड। लेकिन याद रहे, ब्रह्मास्त्र बार बार नहीं चलाया जाता, जितना हो सके कोशिश करिए कि आप समझ पाए, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है तो टोल्ड तो है ही। हम यहां पे यूज कर रहे हैं इन क्लैरिफाइड। देन एंड्रयू क्लैरिफाइड दैट ऑरेंजेस वर वेरी कॉस्टली दोज डेज। ये दोज डेज क्यों हुआ, यहां पे देखिए ध्यान से, दीज डेज है तो उसका बना दोज डेज। आइए आगे इसको बढ़ाते हैं फाइनली। ओके, अब हमारा कॉन्वर्सेशन खत्म हो रहा है तो आएगा फाइनली। फाइनली मैथ्यू रिप्लाइड दैट He no का क्या हो जाएगा, न्यू। He knew they were costly, but he liked them। यहां पे आते हैं आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक एक सेंटेंस करके ही सॉल्व कर रहे हैं, बस फर्क इतना है, यहां पे आपको इंडिविजुअल मिला हुआ है, हम उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड्रयू ने मैथ्यू से कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, डू यू नीड एनीथिंग। तो दो सेंटेंस हमने, दो सेंटेंस कैसे सॉल्व किए, एंड्रयू इन्फॉर्म्ड मैथ्यू दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट एंड आस्क इफ ही नीडेड एनीथिंग, अगर उसको किसी चीज की जरूरत है। उसके बाद मैथ्यू ने जवाब दिया पॉजिटिवली और उसके बाद बोला कि मुझे कुछ ऑरेंजेस चाहिए। सो टू दिस मैथ्यू रिप्लाइड पॉजिटिवली एंड टोल्ड दैट ही नीडेड सम ऑरेंजेस, उसको कुछ ऑरेंजेस की जरूरत है।
एंड्रयू अगेन बात कर रहा है. सो देन एंड्रयू क्लेरिफाइड, एंड्रयू ने क्लेरिफाई किया दैट ऑरेंजेस वर वेरी कॉस्टली दोस डेज. उन दिनों ऑरेंजेस बहुत महंगे थे. आर वेरी कॉस्टली दिस डेज का वर वेरी कॉस्टली दोस डेज हो गया पास्ट टेंस में कन्वर्जन. और फाइनली इसलिए लिखा कि कन्वर्सेशन यहां पे एंड हो रहा है. फाइनली मैथ्यू रिप्लाइड दैट आई नो. सो क्या हो गया, ही न्यू दे वर कॉस्टली बट ही लाइक्ड दैट. यहां पे आपका लेवल 3 का पहला कन्वर्सेशन खत्म होता है. आप लोगों को बेटा किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दीज टॉपिक्स विल बी टॉट टू यू अगेन इन द क्लास. सो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि रिपोर्टेड स्पीड एक बार चल गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, या वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं जो शायद आपके सॉल्व नहीं भी हो पा रहे होंगे. मैं हमेशा तो आपके साथ फ्रेंक हूं, आप सब लोग जानते हैं. मैं सिर्फ दिखता डरावना हूं, ऐसा हूं नहीं. तो आप लोग अपने डाउट्स बेझिझक पूछ सकते हैं. उसके बावजूद अगर आपको दिल में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या लग रही है, सो स्टे रेस्ट अश्योर्ड, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए. वंस द स्कूल ओपन्स, वंस द इंस्टीट्यूट ओपन्स, जब लॉकडाउन खुल जाएगा हम लोग रेगुलर मिल पाएंगे, ये टॉपिक वापस जरूर आएगा. मैं साल में 3 बार रिपोर्टेड स्पीच करवाता हूँ और 4थी बार बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे. सो ये 4 बार सीखने वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको मजेदार लगा है. इसको कॉपी करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स का पॉज दे रहा हूँ. आप वीडियो पॉज करके और ये कॉपी कर सकते हैं. इसकी फोटो इमेज भी मैं ग्रुप में डालने वाला हूँ. सो बिना किसी टेंशन के इसको कॉपी करिए. एग्जाम्पल तो आप लोगों को मैंने लेवल 3 का करवा दिया. अब आपको मैं लेवल 3 का दूसरा एग्जाम्पल करवा रहा हूं बेटा. प्लीज पे अटेंशन. आज का जैसे हमारा लेक्चर है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स डायलॉग्स. एक डायलॉग तो मैंने आप लोगों को करवा दिया, अब आपको मैं शुरू करवा रहा हूं दूसरा डायलॉग. ध्यान से देखिए, जैस्मिन ने एरन, एरन बहुत अच्छा नाम है, जैस्मिन ने एरन को कहा हाय वेयर हैव यू बीन दीस डेज, भाई हो कहां आजकल. तो एरन कहता है आई हैड माइग्रेटेड टू मुंबई फॉर माय स्टडीज, मैं अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई चला गया था. When did you come back? भाई साहब वापस कब आए? तो एरन कहता है I returned from Mumbai 3 days ago. अब आइए इस कॉन्वर्सेशन को सॉल्व करते हैं. बहुत इजी बेटा. आपको लग रहा होगा एग्जाम में ऐसे कॉन्वर्सेशन आते हैं बच्चे डर जाते हैं, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है.
इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, ग्रामर के बेसिक फंडे याद रखो, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है। दूसरा, ग्रामर जब भी सॉल्व करो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आज आपका मैं क्लियर कर दूंगा, ये चूज करने के पीछे, लेने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, ध्यान से देखिएगा। जैस्मिन बात कर रही है एरन से, हाय वेयर हैव यू बीन दीज डेज, तो इसका कैसे होगा, जैस्मिन हाय शब्द का आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं मैं, होता है ग्रीटेड। जैस्मिन ग्रीटेड एरन एंड आस्ट, अब ऊपर देखिए ये बेटा जनरल क्वेश्चन नहीं, आप नेक्स्ट जो आया है आपके पास ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वेयर WH से शुरू हो रहा है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका आंसर डिटेल्ड होगा, इसका मतलब आप थे कहां है तेरे? तो ये आपको सिखा चुका हूं मैं, यहां पे ना इफ यूज होगा ना दैट यूज होगा, बल्कि वेयर का वेयर ही यूज होगा, वेयर ही पास्ट टेंस में कन्वर्जन हैड बीन दोज डेज, वेयर ही हैड बीन दोज डेज। अब एरन उसका रिप्लाई कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, टू दिस एरन रिप्लाइड दैट ही हैड माइग्रेटेड टू Mumbai for his studies. अब बेटा आपको एक चीज याद रहनी चाहिए, मैंने आपको बताया बेटा कि past tense में conversion करना होता है, लेकिन क्या करें जब चीजें already past tense में हो। आप ये sentence को ध्यान से देखिए, ये sentence already past tense में है, आप कभी बने बनाए खाने को फिर से बनाओगे? मम्मी ने दाल चावल बना दिए हैं, अब दाल भी पड़ी है चावल भी पड़ी है, लेकिन तुम बोलते हो नहीं मुझे तो दाल चावल को फिर से बनाना है, क्या कढ़ाई में डाल के फिर से उसको पकाओगे? नहीं, बने बनाए खाने को फिर से नहीं बनाया जाता। इसका मतलब हमेशा याद रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस आपको पास्ट टेंस का मिलता है तो उसको वैसे का वैसा रहने दो। अगर कुछ चीज ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं, I had migrated to Mumbai for my studies, बस इसमें बदलना क्या है, आए उसने अपने खुद के लिए यूज किया, सो ही हैड माइग्रेटेड वैसे का वैसे रहने दो, टू मुंबई वैसे का वैसे रहने दो, फॉर वैसे का वैसे रहने दो, माय उस लड़के के लिए यूज हुआ तो उसका प्रोनाउन हिज यूज किया हमने, हिज स्टडीज। अब आगे बढ़ते हैं, जैस्मिन दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रही है, जैस्मिन फर्दर आस्क्ड When he returned, sorry, when he कम का हो जाएगा, came back, when he came back, okay? Did आप चाहे तो रख सकते हैं, when he did come back लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन did का थोड़ा confusion रहता है, इसीलिए हमेशा second form use करें, when he came back. Finally, Aaron replied that he returned from Mumbai 3 days ago. अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा भी पहले से ही क्वेश्चन पास्ट टेंस में मिला हुआ है, तो हमने उसको सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोनाउंस बदल के यूज किया है। अब यहां पे एक क्लैश होता है आपके दिमाग में, क्योंकि आपने स्कूल लेवल पे जितना भी ग्रामर सीखा है उसमें हमेशा आपको सिखाया गया था कि अगर यहां पे, सॉरी इसको मैं ठीक कर दूं, अगर यहां पे
तो मैं कह रहा था एक चीज जो हमें अब सिखाई जाती है स्कूल में कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो उसे पास्ट सॉरी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो पास्ट परफेक्ट में बदलना होता है। अब यहाँ पे सोचिए अगर पहले से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो तो उसे किस में बदलेंगे। इसलिए बेटा चीजें दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, जो चीज ऑलरेडी पास्ट टेंस में उसे वैसे का वैसा जाने दें। ये कॉन्वर्सेशन भी आप पूरा कॉपी कर ले, 30 सेकेंड्स का मैं इसके बाद आपको एक ब्रीदर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, COVID-19 के चलते आप सब लोग लॉकडाउन है, अहमदाबाद के कई हिस्सों में कर्फ्यू है, आप सब लोग घर पे बने रहें, सेफ रहें, अच्छे से सीखें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर पूछें। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को PDF नहीं भेजा था क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक बन रहा था, आज एक कंबाइंड PDF मैं आपको भेज रहा हूँ, अच्छी खासी वर्किंग है उसमें, अच्छे खासे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास सीखने को। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। 30 सेकेंड्स का मैं पॉज दे रहा हूँ इसको कॉपी करने के लिए, कोई डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर ही सकते हैं। फ्रॉम हियर अशोक निबलानी साइनिंग इट ऑफ, थैंक यू।